इसराइल पर रॉकेटों से हमला लगातार किया जा रहा है और ये हमला हो रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। अब किस तरह से इसराइल इस रॉकेट्स को रोक नहीं पा रहा है और क्या वजह है कि इतना ज्यादा नुकसान पिछले कुछ दिनों में इसराइल के शहरों में देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट पर रॉकेट छोड़े जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तो जो मिसाइल सिस्टम है इसराइल का वो भी इन रॉकेट्स को नहीं पकड़ पा रहे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, इसराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं और हिजबुल्लाह कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लगातार हमले के पीछे की वजह क्या है और इसराइल आखिर हमलों को क्यों नहीं रोक पा रहा है? देखिए नीरू, पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि हर रात को इसराइल पे जबरदस्त रॉकेट से हमले हो रहे हैं, मिसाइल से हमले हो रहे हैं। और अभी तक ये हो रहा था कि जो रॉकेट्स और मिसाइल्स इसराइल की टेरिटरी के अंदर आ रही थी, इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो उसको हवा में ही ख़त्म कर दे रहा था। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि नॉर्थ इसराइल जो है, उत्तरी इलाका जो इसराइल का है, यहाँ के रेजिडेंशियल इलाकों पर रॉकेट्स गिर रहे हैं, यहाँ के जो सरकारी इमारतें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जो मिलिट्री बेस हैं वो निशाने पर हैं, और कई सारे रॉकेट्स को ये आयरन डोम सिस्टम नहीं रोक पा रहा है। और इसके चलते आप अगर रात की तस्वीरें देखें इसराइल की, तो पूरा आसमान जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आतिशबाजी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह जो है वो एक साथ अटैक कर रहा है। ये हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी कि आयरन डोम सिस्टम आखिर फेल कहाँ हो रहा है। तो इसकी एक बड़ी वजह है कि जैसे अभी पिछली रात को हमने देखा कि एक साथ 300 रॉकेट्स चंद सेकंड्स के अंदर 300 रॉकेट्स इसराइल पे फायर कर दिए गए, जिसकी वजह से आयरन डोम सिस्टम एक साथ अगर बहुत सारे आप पे रॉकेट्स या मिसाइल आ जाएं तो उसको ठीक से उसको कैप्चर नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इसराइल में ये पहला मौका है काफ़ी समय बाद जब हिजबुल्ला के रॉकेट्स जो हैं वो इसराइल की टेरिटरी में गिर रहे हैं, वहाँ के और फट रहे हैं बिल्कुल, और वहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। तो पहली बार ऐसा लगता है कि इसराइल जो है वो इसको लेके थोड़ा सा एक जो है वो डिफेंसिव मोड में है। और नीलू, एक बहुत ही गौर करने वाली जो बात है वो ये कि अभी तक ये हो रहा था कि इसराइल जो है वो अपने दुश्मनों के जो हथियारों के इंस्टॉलेशंस हैं, जहाँ पे उनके हथियार रखे जाते थे, उसको निशाना बना दे रहा था। लेकिन अब एक नई बात निकल के सामने आई है कि जो हिजबुल्ला के पास जो रॉकेट्स हैं, जो मिसाइल हैं, जो हथियार हैं, इसको हिजबुल्ला ने लेबनान से सीरिया के एलेप्पो शहर में ट्रांसफर कर दिया है। अब ये पूरी कहानी समझनी पड़ेगी कि आखिर हिजबुल्ला ने ऐसा क्यों किया। हिजबुल्ला को पहले से ही पता था कि जैसे ही वो इसराइल पे निशाना बनाता है उसका जो है इसराइल उसको रिटेलिएट करेगा और उसके हथियारों के ठिकाने पे हमला कर देगा। तो इन्होंने, हिजबुल्ला ने क्या किया कि अपने जो हथियार थे वो ऐसा बताया जा रहा है कि सीरिया के एलेप्पो शहर में ट्रांसफर कर दिए हैं। और एलेप्पो सीरिया में ट्रांसफर करने की वजह यह है कि वहाँ पे वैगनर आर्मी, जो रूस की वैगनर आर्मी है, जो पुतिन की बड़ी खास आर्मी मानी जाती है, वैगनर आर्मी, इसका बड़ा बेस है एलेप्पो शहर, और यहाँ पे हिजबुल्ला ने अपने हथियार ट्रांसफर कर दिए हैं। अब एलेप्पो में चूंकि वैगनर आर्मी का बेस है, तो अमेरिका और इसराइल दोनों सीधा इस एरिया पे कभी अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये फिर बिल्कुल इसराइल रूस, ये रूस वर्सेस अमेरिका हो जाएगा या इसराइल वर्सेस रूस युद्ध का रूप हो जाएगा। ये एक बड़ी बात मयंक ने बताई है कि एक तरफ इसराइल और यूएस है तो दूसरी तरफ रूस और ईरान और बाकी देश जो अरब कंट्री के वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ा हमला होता है तो फिर दो फाड़ में बच जाएगी, दो महाशक्तियां इनके साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस हमास के नेता को मारा गया वो क्यों चुप है? जरा मैंक वो भी बताइए, क्योंकि हिजबुल्ला लगातार हमले कर रहा है लेकिन हमास क्यों शांति की बात, क्योंकि बीच में ये खबर आ रही है कि शायद बीच का रास्ता कुछ शांति वार्ता के जरिए हमास निकालने की कोशिश कर रहा है। तो क्या अब हमास में उतनी ताकत नहीं है या फिर टाइम को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ हो रहा है, ये कि स्ट्रेटजी का प्लान हो सकता है? बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं कि ये जो है इस पूरे एरिया में, मिडिल ईस्ट में, कई तरह की वॉर स्ट्रेटजीज जो हैं वो खेली जा रही हैं। और ये जो आप कह रही हैं, ये टाइम बाइंग जो है वो एक टैक्टिक्स लग रही है बिल्कुल, कि जो है किसी भी तरह से जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया जाए। इसराइल को सब तरफ से घेरा जा रहा है। अब अगर आप देखें नीलू, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पूरी जो टेरिटरी है ये एक बड़े वॉर जोन में तब्दील होती जा रही है। कुल जितनी कंट्रीज हैं, तो आप देखिए इसराइल जो है वो एक तरफ से चारों तरफ से घिर भी चुका है, दूसरी तरफ से जो अमेरिका है वो इसकी मदद के लिए सामने आ चुका है। अब आप देखिए कि ये जो पूरा वॉर है, ये कुछ कुछ जो
रूस वर्सेस जो है अमेरिका की शक्ल भी ले रहा है। देखिए आप भूमध्य सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन जो वॉरशिप है वो अमेरिका ने भेज दिया, पहुंच दिया है। उसके साथ ही जो है एक यूएसएस जॉर्जिया, ये इनकी न्यूक्लियर सबमरीन है अमेरिका की, अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अब ये भी भूमध्य सागर में है और इसमें भी जो है मिसाइल्स हैं। तो कुल मिला के ये है कि अमेरिका ने अपने पूरे वॉरशिप्स, सबमरीन्स, मिसाइल्स, देशों के पीछे दो बड़े देश हैं यूएस और रूस जो कि इनके पीछे बैक में खड़े हैं, और अगर उधर से ईरान की तरफ से हमला होता है तो रूस उनके पीछे है, और अगर इसराइल से इधर हमला होता है तो यूएस उनके पीछे खड़ा है। लेकिन एक बड़ी बात है, अभी खबर ये भी आ रही थी मयंक की, जो ईरान है उसका जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है ईरान की तरफ से, और ज़बरदस्त तरीके से कि वहाँ के लोग तक डर गए कि ये क्या हो रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक तरह से युद्ध शुरू होने से पहले की तैयारी है, यानी कि हर फ्रंट पर कोशिश यही की जा रही है कि अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर ली जाए। बिल्कुल, बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है ईरान की तरफ से, और बताया जा रहा है कि इसमें हिजबुल्ला के सैनिक जो हैं वो भी शामिल हैं। तो हिजबुल्ला कह रहे हैं कि रूस भी ईरान की धरती पर इस वक्त युद्धाभ्यास कर रहा है, और चाहे वो यूक्रेन के लिए वो युद्धाभ्यास कर रहा है या फिर ईरान को सपोर्ट करने के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है, ये बड़ी बात है। देखिए रूस जो है इस पूरे मामले में जो है वो, हाँ, रूस जो है वो पूरे इस मिडिल ईस्ट में अब इन्वॉल्व हो चुका है। जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन भेजा इन्होंने शिप, वैसे इनका जो है वॉरशिप है एडमिरल ग्रोशकोव, तो ये ग्रोशकोव को जो है वो रूस ने भेज दिया है। तो कुल मिला के आप देखिए कि ये पूरा जो एरिया है ये एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, और दोनों तरफ से जो है वो ये प्लानिंग चल रही है कि कितना टाइम आप लेते हैं पूरी तैयारी करने के लिए, क्योंकि जब भी हमला होगा उसके बाद ये बहुत जल्दी ही ये एक बड़े स्केल का वॉर हो सकता है। तो इसलिए कोई भी कंट्री, खासकर ईरान जो है, वो ये बात को कैलकुलेट करके चल रहा है कि जब भी वॉर होता है तो एक बड़ी, एक मजबूत हमला किया जाए इसराइल पे। तो इसके लिए एक प्लानिंग चल रही है, जो आप कह रही थी कि सी के चलते कई टाइम बाइंग जो है, जो हम कहीं बीच बीच में जो एक युद्ध शांति की बात आ जाती है, असल में युद्ध शांति की कोई बात नहीं है, वो वॉर टैक्टिक्स होती है, एक मेंटल गेम चल रहा है। ऐसी भी खबर आई है कि बहुत सारे देशों ने अपने फ्लाइट्स को खासतौर पर इसराइल या फिर ईरान के ऊपर से उड़ान भरने से पीछे आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए रोक दिया है। यानी हम ये मान के चले कि जो ये पूरा आज से लेकर आगे आने वाले 10-15 दिन है वो बेहद खतरनाक है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, और इसलिए अपने अपने एयरलाइंस को कह दिया गया है कि आप ईरान और इसराइल के ऊपर से उड़ान ना भरे। तो ये मान के चले कि युद्ध जैसी स्थिति पूरी तरह से बन गई है। बिल्कुल, मोसाद और CIA की तरफ से ये अलर्ट था कि अगले 24 घंटे में जो है ईरान जो है वो शायद हो सकता है कि वॉर की घोषणा कर दे, और उसके बाद जिस तरह से हिजबुल्ला की रॉकेट्स और मिसाइल्स इसराइल पे बरस रहे हैं, इसके चलते जो कंट्रीज हैं जिनकी फ्लाइट सीधा थी उनको सबको डर था कि हो सकता है कि उनकी फ्लाइट्स किसी तरह से जो है किसी निशाने पे ना आ जाए। इसकी वजह से फ्लाइट्स काफ़ी सारी इसराइल की आसपास की जो कंट्रीज हैं उन्होंने कैंसिल कर दी। अब आप देखिए कुल मिला के ऐसा लगता है कि ये पूरा जो एरिया है मिडिल ईस्ट का, यहाँ पे आप देखें तो कम से कम 10-12 कंट्रीज ऐसी हैं जो चाहे ना चाहे पूरी तरह से अब वो इसमें इन्वॉल्व हैं इस वॉर में। और अगर ये डायरेक्ट वॉर होता है, देखिए अभी तक ईरान जो है वो एक प्रॉक्सीज के जरिए एक वॉर करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल नहीं है, अंदर से ही देश के बहुत सारे लोगों की आवाज़ उठ रही है वॉर सीधे ईरान करे या ना करे, इसराइल पर डायरेक्ट हमला करे कि ना करे, क्योंकि ईरान की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। देखिए एक बात तो अभी तक साफ है, जो अभी तक समझ के आ रही है, समझ में आ रही है कि हिजबुल्ला ने अपना सबसे बड़ा अटैक कर दिया इसराइल पे। आज के पहले हिजबुल्ला ने इतने ज़्यादा रॉकेट्स, इतने मिसाइल्स कभी फायर नहीं किए। तो एक बात साफ है कि ईरान ने हिजबुल्ला को सामने रखा है, और हिजबुल्ला के तहत जो है हिजबुल्ला के जरिए इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं गाज़ा में जो है वो इसराइल चूंकि बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है, तो हमास जो है वो फिलहाल गाज़ा के फ्रंट पे, हाँ वो गाज़ा के फ्रंट पे ही जो है एक्टिव है। तो अभी पहला हमला जो है वो हिजबुल्ला की तरफ से है, ऐसा बताया जा रहा है कि इसके बाद हुती जो है उनकी तरफ से भी हमला हो सकता है, और उसके बाद फिर आखिरी में हो सकता है कि ईरान जो है वो सीधा इसराइल पे अटैक करे। तो अब कुल मिला के ये टाइम बॉम्ब जो है वो जो टिक टिक कर रहा है वैसी सिचुएशन है, और कभी भी ये एक बहुत बड़ा युद्ध जो है छिड़ सकता है। तो आप समझ रहे हैं मिडिल ईस्ट के हालात पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, और यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर स्थिति बनी हुई है। यूएस है, रसा है, वो पूरी तरह से इन तमाम जो अरब कंट्री के जो देश हैं खासतौर पर इसराइल और ईरान के पीछे है, वो एक बड़ा संकेत दे रही है। अब ये संकेत किस तरह से युद्ध में बदलते हैं, या फिर सभी देश ये चाहते हैं कि यहाँ पर शांति हो जाए, स्थिति नियंत्रण में हो जाए, तो इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ।